हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। काफ़ी दिनों बाद जाना हो रहा है और आगे जा रहे हैं स्वामी जी। तो चलो बाद में दिखाते हैं आपको उनका पूरा फाइनल लुक और मेरा भी दिखाते। फिलहाल तो मुझे गधा बना रखा है इन्होंने, इतना चालाक है ना ये, ना बैग लेके नहीं जाते, कभी नहीं जाते। और जब ना मैं अपने मायके पहुँच जाती हूँ ना तो वहाँ पे फबराट करते नहीं, मैं लेके जाती हूँ। तो गाइज हम यहाँ पे रुक गए पानी पीने के लिए। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला पानी आ रहा है। पिछली बार यहाँ पे इतना बारीक पानी आ रहा था, खतरनाक मतलब मोटा पानी आ रहा है। ठीक है, रुक जाओ। तो गाइज हम निकल चुके हैं जामनी खाल से, अब मिलेंगे आपको सीधे घर में। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ पंचूर, और पंचूर में मतलब ना मैं यहाँ के खेत देख रही हूँ ना, तो ना हमारे पास झुंगोरा अभी मतलब अभी लगा के थोड़ा जस्ट खत्म हुआ है और यहाँ पे ना झुंगोरे पे बाल्डे भी आ गए। भाई साहब आपको दिखाती हूँ, फिलहाल ये है पंचूर। ये देखो ये झुंगोरा, देखो यहाँ, यार रुक दो ना थोड़ा सा। गाइस देखो यहाँ ऊपर देखना है, ये जानबूझ के तेज लगा रहे पर यहाँ पे जंगोरा देखो, पूरे बाल्डे आ गए जंगोरे पे, दिखाई नहीं। ये वाला खेत देखो आप, खतरनाक हो रखा ना भाई। अभी मैं आपको और खेत दिखाती हूँ, ठीक है, वहाँ देखना जंगोरे के बाल्डे। यहाँ नीचे देखो खेत, पूरा खेत जंगोरे से भर रखा भाई साहब। यहाँ ना पंचूर में बहुत ज्यादा खेती होती है, देखो पूरा झंगोरे मतलब वो उसके बाल्डे आ रखे ब्राउन ब्राउन कलर के, देखो आपने। और हमारे यहाँ भी तो काम ही फिनिश नहीं हुआ, यहाँ पे लोगों ने काम फिनिश करके एकदम अपना एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी है कद्दू के लगले वगले, देखो मेरे पीछे यहाँ तो मुझे लग रहा है सब्जी भी लगने लगी है, कद्दू वगैरह लौकी वगैरह भी लगने लगी है। और अब अपने गांव की साइड देखेंगे हम कि वहाँ भी झंगोरा हो रखा है कि नहीं हो रखा है। फाइनली गाइस हम अपने गांव के रोड में पहुंच चुके हैं और देखो मैंने बोला था ना बैग, अब इन्होंने पकड़ लिया। और जब मैं वहां से आ रही थी अपने ससुराल से आ रही थी, तब इन्होंने बैग पे जो हाथ लगाया होगा, जब मैंने फेंका ना बैग को तब देवर जी लेके आए बैग को, गुस्सा दिलाते हैं यार। चलो फिर अब मैं अपना पर्स टांग के चलूँगी और ये पीछे पीछे आ रहे हैं और मेरे बाल खराब हो गए यार। यस शर्मा रे, मस्त मस्त बाय बाय। वो क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था यार, नेजी भाई की तरह, ठीक है भाई। तो चलो अब चलते हैं घर को। वाओ ये देखो दादी को क्या ही लगा, ये कोदू अभी गाइस ये इतना शर्मा रहे हैं ना, ये बोल रहे मैं शाम को आऊँगा बस अंधेरे में कोई ना देखे दिख में ताकि, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा काले हो रखे मैच खेल के। और देखो दादी का घर, यहाँ पे कितनी घास जम रखी है देखो। और ये बब्बी का घर पहुँच गए हम, हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। रास्ता कितना प्यारा लग रहा है, इस सावन के महीने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है क्योंकि हरा भरा रहता है ना। तो देखो हमने छेमी भी लगा रखी है यहाँ पे, पीछे देखो हमारी छेमी जेकड़े बैठ रखे। देखो हमारा घर, यहाँ देखो मैडम बैठ रखे, यहाँ पे महारानी जी बैठ रखे। देखो मेहमानों के लिए सजा रखे है बाकी। तो गाइस हमने खाना खुना खा लिया है, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और बाकी आपके लिए थोड़ी देर में सरप्राइज है, कौन आ रहा क्या आ रहा कैसे आ रहा।
तो अभी सो के उठने के बाद बताऊंगी आपको, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी मेरी आंखें आज लाइनर लगा के कितनी प्यारी लग रही है। चलो यार ठीक है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ ऊपर ताई लोगों के घर पे, ये केले देने जो मैं पैना लेके आई थी वो देने जा रही हूँ। तो चलो अर्पित से भी मिलाएंगे, क्योंकि ना परसों रात को अर्पित को मेरी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे को फ़ोन करा बुआ आपकी याद आ रही है कब आ रहे हो आप, तो फटाफट आ गई। तो चलो अजो कक सक तो खा रहा रही हूँ। तू कौन से बड़ी पलना लिया बड़ा एक किलो निकाल कितना था बोलो तू छाई नहीं था बैल तो मैं तक मिली कहीं जाऊँ जब छाई नहीं था तू मैं दादी को प्रणाम कर दिखाऊँ दादी प्रणाम। हाँ तो खूब है इसमें। यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ ताई के घर पे और इधर अर्पित यहाँ पे। अब क्यों नहीं एक्साइटेड हो रहा, वो आ गई जानबूझ के आगे बात कर रहा भाई। ये देखो चल ठीक है मैं जा रही बाय। अभी ना अरे देखो अभिराज अभी हेलो अभी ओ दे ओ ओ दे ओ दे ओ दे ओ दे ओ दे वाह आ गया दा ओ दे ओ दे। आज यहाँ पे मेहमान पैदा हो चुके हैं, पहला पहला हमारा मेहमान आइए आइए सुबह से इंतजार करा के आइए आइए आगे इंतजार कराने वाले शख्स। दीदी प्रणाम दीदी प्रणाम जीजा नमस्ते जीजा नमस्ते ऐसे ही इन लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कराया, हम सुबह सुबह आ गए थे और हम हमारा मेकअप बग गया हमारा मेकअप बग गया क्यों फिलकड़ी दादा किडनी ठीक है पागल बोल साहब तुम्हारे मार्च बड़ बड़ नहीं ना ना वो काम अर्पण का चला खान काम से